गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास 10th। टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन आर डिफरेंट टर्म्स। व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या करते हैं हम? ब्रीदिंग क्या O2 लेते हैं, CO2 बाहर करते हैं। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस इन विच वी टेक CO2 एंड रिलीज O2। ओनली गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, केवल गैसेस एक्सचेंजिंग होती है। नो एनर्जी इज फॉर्म, से कोई एनर्जी नहीं बनती है, इसलिए ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। और रिस्पिरेशन क्या है? इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज, जिसमें एनर्जी बनती है। वही एनर्जी जो होती है हमारे सारे फंक्शन में काम होती है। तो आगे अब पढ़ेंगे रिस्पिरेशन। व्हाट डू मीन रिस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू CO2, वाटर एंड एनर्जी इनटू द सेल इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। ग्लूकोज को 3 पार्ट में तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक। इसमें CO2, H2O एंड एनर्जी। एक ग्लूकोज के मालिकों से लगभग टूटने से जो एनर्जी बनती है 686 KCAL, किलो कैलोरी कहते हैं, ठीक। तो C6H12O6 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 KCAL, इतनी एनर्जी बनती है। तो माइटोकांड्रिया जो होती साइट होती है, जो रिस्पिरेशन का मेन प्रोसेस होता है, दैट टेक्स प्लेस इन टू द माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इज सेल ऑर्गेनाइज ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकांड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि सारी एनर्जी माइटोकांड्रिया में बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के रूप में एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट पूछा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। व्हाट इज ATP? इट इज द कॉइन ऑफ एनर्जी, या एनर्जी की कॉइन है, सिक्का है, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं, वर्क करती है बॉडी, सब खर्च ATP ही होती है। और वैसे जो हमारा रिस्पिरेशन होता है, इसके पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। देखो रिस्पिरेशन आर 2 टाइप्स, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाइल एनएरोबिक रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन मोस्टली जो होते हैं बैक्टीरिया और सम फंजाई जो है करते हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस होता है रिस्पिरेशन का ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट और पाइरूविक एसिड भी कहते हैं। तो दिस प्रोसेस पहला होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट डू मीन बाय ग्लाइकोलाइसिस? चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड, ठीक है, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। तो पहला प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो पहला प्रोसेस में ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं CO2 और वाटर में टूटता है, ये पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, चेंजिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद पाइरूविक एसिड जो होता है ये हमारे माइटोकांड्रिया में जाता है, हैं, लेकिन माइटोकांड्रिया में डायरेक्ट नहीं जाता है, आप लोगों के कोर्स में नहीं दिखाया गया। माइटोकांड्रिया को जो होता है एस्टिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है, हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है जो माइटोकांड्रिया, इन माइटोकांड्रिया के पहले पाइरूविक एसिड चेंजेज इनटू एस्टिल कोएंजाइम ए, पहला काम। देन एस्टिल कोएंजाइम ए इंटर इनटू द माइटोकांड्रिया, तब माइटोकांड्रिया में जाता है, वेयर इट चेंजेज इनटू, ठीक है, वेयर इट चेंजेज इनटू CO2, H2O एंड एनर्जी। लेकिन पहला प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरूवेट, ये दोनों में होता है, चाहे एरोबिक रिस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक। एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों प्रोसेस के पहले ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ठीक है, इनटू पाइरूविक एसिड। अब पाइरूविक एसिड जब स्टिल एरोबिक रिस्पिरेशन रहता है तो
पायरुवेट गैस इज चेंजेज इंटू एस्टिल कोएंजाइम और गोज इंटू माइटोकॉन्ड्रिया। और जब एनोरोबिक होता है तो पायरुविक एसिड जो होती है एनोरोबिक में जाता है, वहाँ पर भी सी ओ टू में थोड़ा जाता है, वाटर नहीं बनता है। तो पायरुविक एसिड एरोबिक रिस्पिरेशन है, तो पायरुविक एसिड चेंजेज इंटू एस्टिल कोएंजाइम ए, एस्टिल कोएंजाइम इंटर्स इंटू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट ब्रेक डाउन इंटू सी ओ टू वाटर एंड एनर्जी। ठीक। और व्हाइल एनोरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस, जब एनोरोबिक रिस्पिरेशन अभी आ गया तो रिस्पिरेशन टाइप ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन इज टू टाइप्स, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनोरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले काम होता है पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और ठीक है पायरुविक एसिड डायरेक्ट नहीं जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसमें CO2 बनता है। एरोबिक रिस्पिरेशन में ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इंटू CO2 H2 एंड एनर्जी, तीन चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका है, ठीक है, C6H12O6 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 kcal, किलो कैलोरी एनर्जी इतनी निकलती है। ठीक ना, तो केवल ई लिख दिया करो, कैपिटल ई का मतलब एनर्जी हो जाता है। और दूसरा एनोरोबिक रिस्पिरेशन, द रिस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनोरोबिक रिस्पिरेशन, और मोस्टली इट टेक्स प्लेस बाय द बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ईस्ट जैसे बैक्टीरिया हैं, लैक्टिक एसिड जो होते हैं बैक्टीरिया बनाते हैं, तो इन द एब्सेंस ऑक्सीजन ईस्ट जो होते हैं एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। इथेल एल्कोहल इस एनोरोबिक रिस्पिरेशन में बनता है, ठीक है, ईस्ट और बैक्टीरिया जो है एल्कोहल बनाते हैं, लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है। इस तरह से कुछ बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिस्पिरेशन करते हैं, यानी ग्लूकोज को चेंज कर देते हैं किसमें, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, एल्कोहल भी बनता है। और कभी कभी जो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनने के ही कारण, ठीक है, वी फील फटीक, हमें थकान महसूस, कभी कभी हमारे भी मसल में जो होती है लैक्टिक एसिड बन जाती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड बन जाती है। और लैक्टिक एसिड बन जाने से जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में चेंज होता है, पायरुविक एसिड से हमको एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए उस वहाँ पर उस समय वहाँ पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, ठीक है। तो इसे इसे कहते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन, वाई यू फील फटीक, आपको थकान क्यों महसूस होती है, वी फील फटीक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब बन जाता है एनोरोबिक रिस्पिरेशन हमारे मसल्स में भी, तो हमको एनर्जी नहीं मिलती है, बहुत थोड़ी एनर्जी मिलती है, वो हमारे काम पूरे नहीं करती है, ठीक, इसलिए हमें थकान महसूस होती है। तो ये रहा आपका एनोरोबिक रिस्पिरेशन। एनोरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच ग्लूकोज चेंज इनटू सी ओ टू प्लस इथाइल एल्कोहल आर लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ बनता है। और ये आपको रिएक्शन भी दिया गया है, देखो 6CO6H12O6 प्रेजेंस ऑफ O2 6CO2 प्लस H2 प्लस एनर्जी। फिर दिया गया ग्लूकोज चेंज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन C2H5OH प्लस CO2, और कभी कभी लैक ऑफ O2 कमी के कारण जो CH3CHOH COOH यानी लैक्टिक एसिड लिखेंगे, ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनता है। ये आपके दोनों रिएक्शन याद होने चाहिए हमेशा, C6H12O6 इज इक्वल टू पहला 6CO2 प्लस CH2O प्लस एनर्जी, और दूसरा भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी जो ग्लूकोज लैक ऑफ O2 ऑक्सीजन सप्लाई जब बंद हो जाती है तो हमारे मसल्स में भी CH3CHOH COOH यानी लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, वी फील फटीग, और हम फटीग यानी थकान महसूस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।